देश में नया मोटर व्हीकल कानून लागू हो गया है। कुछ राज्य को छोड़ दे तो लगभग सभी ने इसे शुरू कर दिया है। 1 सितंबर से ये कानून लागू किया गया है। 1 सितंबर को रविवार था, लिहाजा 2 सितंबर यानी कि सोमवार को इस कानून का पहला वर्किंग डे था। हालांकि रविवार को ही ट्रैफिक पुलिस पूरी मुस्तैदी में नजर आई और देश के कई इलाकों में सख्ती बरती गई। कहीं बड़ी संख्या में चालान काटे गए तो कहीं ट्रैफिक पुलिस ने मिठाई और टॉफियां बांटकर जागरूकता अभियान भी चलाया। जब से केंद्र सरकार ने नए मोटर व्हीकल एक्ट को पास किया है, तब से देश में चालान से जुड़े अलग अलग मामले सामने आ रहे हैं। गुजरात में भले ही यातायात नियमों के उल्लंघन पर लगने वाले चालान की दरों में कटौती की गई है, लेकिन यहाँ भी लोग परेशान हैं। लेकिन इसके परे गुजरात से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल इस बार परेशानी की वजह चालान नहीं बल्कि एक शख्स का सिर है, जिसके सिर के साइज का कोई हेलमेट ही बाजार में उपलब्ध नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। गुजरात के छोटे से शहर उदयपुर जिले के बोडोली इलाके में रहने वाले जाकिर मेमन को पुलिस ने बिना हेलमेट गाड़ी चलाते हुए रोक लिया। जाकिर के पास गाड़ी से संबंधित सभी कागजात मौजूद थे, लेकिन उसने हेलमेट नहीं पहना था। पुलिस ने उसे जुर्माना भरने को कहा, लेकिन जाकिर ने जब पुलिस को अपनी समस्या बताई तो पुलिस भी हैरान रह गई। जाकिर नाइक ने कहा कि वो कोई हेलमेट नहीं पहन सकता, क्योंकि कोई भी हेलमेट उसके सिर में एडजस्ट नहीं होता। बाजार में मौजूद हर हेलमेट शख्स के सिर से कहीं ज्यादा छोटा है। शख्स ने पुलिस से कहा कि उसने शहर की हर दुकान पर हेलमेट खोजा, लेकिन उसे ऐसा कोई हेलमेट नहीं मिला जो उसके सिर में फिट आ जाए। जाकिर का कहना है कि मैं कानून की इज्जत करने वाला शख्स हूँ, मैं भी हेलमेट पहनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा हेलमेट मिलता ही नहीं जो सिर में ठीक से फिट हो सके। पुलिस जाकिर की समस्या सुनकर हैरान रह गई। जाकिर ने पुलिस से अपील की है कि उसके मामले को सुलझाएं और मदद करें। वहीं पुलिस भी जाकिर की इस मांग पर विचार कर रही है, उसकी समस्या को सही मान रही है। पुलिस ने जाकिर का चालान भी नहीं काटा, लेकिन समस्या अब भी बनी हुई है कि इस शख्स के सिर में सही से फिट होने वाला हेलमेट आखिर आए तो आए कहाँ से।